सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे ही लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल चैनल महालक्ष्मी आपके दिलों की धड़कन बनता जा रहा। चैनल महालक्ष्मी की ओर से बैसाख कृष्ण द्वादशी को रात्रि 8 बजे आपके पास घड़ी बजाए 8 और सादर जय जय करते हैं आज की शुरुआत अनादि निधन तीर्थ शाश्वत अनादि तीर्थ अयोध्या जी से। कहते हैं माता जी को जिद हो गई थी और जिद ऐसी कि वह छूट नहीं रही थी। दिन था वह 23 अक्टूबर 1992। आज भी माताजी को 89 वर्ष की उम्र में अभी तक दिन तिथि समय सब याद रहता है। गजब की बात है। उन्होंने कहा कि उस दिन धनतेरस का दिन था। 2 दिन बाद दिवाली थी यानी महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक था। सुबह लगभग घड़ी 4 बजाने को तैयार हो चुकी थी। 4 बजने वाले थे, सामायिक पूरा हुआ था और पिंडस्थ ध्यानस्थ में माताजी बैठ गई थी। जम्बूद्वीप पर जहाँ ध्यान लगाती है ना माता जी, बिल्कुल उसी खिड़की से जम्बूद्वीप उनको जो सामने है वह नजर आता है। ध्यान लगाते लगाते कहाँ पहुँच जाए यह वह खुद भी नहीं जानती और कहती है फिर मैं तीर्थों के दर्शन करती हूँ, कुछ इस तरह का तो मुझे कम से कम क्षमता मिली हुई है। बस ध्यान करते करते उनके सामने एक ऋषभ देव भगवान की खड़गासन प्रतिमा नजर आने लगती है। वह सोचने लगती हैं क्या है ये, मुझे इसका महामस्तकाभिषेक करना है। कहाँ की है पहले प्रतिमा नहीं देखी है, पर वह आकार साफ लग रहा था ये संभवतः अयोध्या की प्रतिमा है। आज से पहले वह अयोध्या नहीं गई थी, वह सोच रही थी कि भैया संभवतः अयोध्या की प्रतिमा है। और बस उसके बाद ध्यान के बाद वह चंद्रमती माता जी हमेशा उनके साथ रहती हैं परछाई की तरह, उनसे कहा कि अब मेरा मन है कि अयोध्या जाने का। वह अवाक हो जाती हैं। शुल्लक मोती सागर जी को ब्रह्मचारी सुंदर रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के पास आके कहती हैं कि माता जी ऐसा कह रही हैं। बस तीनों एकदम आ जाते हैं माता जी सामने, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, आपकी हेल्थ स्वीकार नहीं करती, इसको परमिशन नहीं देगा, डॉक्टर साफ मना कर देगा, आपकी स्थिति बहुत कमजोर है, हालत स्वास्थ्य खराब है, समय नहीं जाना है। दबाव इतना बना कि माता जी उस समय तो शांत हो गई, लेकिन कहती है माता जी को जिद आती है तो वह छोड़ती नहीं है, उन्होंने साफ स्पष्ट कहा। और धीरे धीरे फिर चंद दिनों बाद वह फिर शुरू हो गई। कोई श्रावक आता उससे पूछती है भैया अयोध्या के लिए कैसे जाना होता है, क्या क्या रास्ते पड़ता है, और डायरी में उसको बाकायदा नोट करने लगती। जब वह नोट करती अब वह तीनों समझ गए थे कि अब माता जी को रोकना मुश्किल है। आप हमारी बात में क्या, पहले महालक्ष्मी से जो बात हुई माता जी की, जरा उसमें से माता जी से सुनिए। जम्बूद्वीप में विराजमान थी, लगभग 1994 की बात कर रहा हूँ। आचार्य श्री विद्यानंद जी के शब्द थे, इस समय अयोध्या जल रहा है और आपकी जिद अड़ी हुई थी मैं तो जाऊंगी। ये 92-93 की बात है। लगभग क्या हुआ कि धनतेरस के दिन 1992 में धनतेरस के दिन हम सुबह 3 बजे उठ कर के और अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के प्रतिक्रमण करके और सामने से मेरे दिख रहा था 92 में और खिड़की से तो सामने से मेरे को एक दो बार देखा, फिर आँख बंद करके ध्यान कर रही थी। तो पिंडर्स पसत वगैरह ध्यान क्या करती थी, कोई ध्यान का अभ्यास था थोड़ा बहुत। तो ध्यान करते 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 एकदम हमें ये अयोध्या के भगवान दिख गए। वह एकदम हमें धुन चढ़ गई कि हमें अयोध्या जाना है। ये 1992 में धनतेरस की घटना है। अच्छा, सुबह थी दिसंबर को ये घटना हुई थी, बड़ी शुक्ला कार्तिक कृष्णा तेरस थी। अब मैंने ये बात पहले इनको कही, ये मेरे पास ही रहती है, बिल्कुल पास में सोती है। बिल्कुल। फिर हमने मोती साहब जी सुनक आए नमस्कार करने तो उनको बताई, फिर रवि कुमार को बताई, हमने कहा अयोध्या जाना है। अभी लोग सब घबराए, बोले आपको अभी डॉक्टर अलाउ ही नहीं करेगा, अभी आप अस्वस्थ है, कमजोर है, ये है वो है दुनिया भर का अपने। और डॉक्टर ने भी कह दिया कि अभी आपका स्वास्थ्य बिहार के लायक नहीं। हमने कहा जो भी हो सांस में डोली की भी आज्ञा है और हमारे संग में मुनि भी आरिका भी डोली में बैठे हैं, सुविधि साहब जी महाराज भी डोली में बैठे थे। तो हमने कहा कि हमारे संग में सुविधि साहब जी महाराज भी डोली में बैठे थे, जो मुंबई के गेंदन मंडी थे, दीक्षा ली थी तो मुनि बने थे, तो महावीर जी आते समय डोली में बैठे थे। तो हमने कहा डोली में बैठने की आज्ञा है तो हम जितना चल सकेंगे चलेंगे, बाकी डोली में बैठ जाएंगे, लेकिन हम बिहार करेंगे। अब वो जब रूपरेखा बनाते बनाते समझ लीजिए फागुन में बन पाया, क्योंकि अयोध्या उसे मस्जिद की गिरना बाबरी वाली कर आ गया था, उपद्रव चारों तरफ से लोग मनाने आ गए, घेर लिया, बड़ौद के लोग आ गए 100, बोले हम नहीं निकलने देंगे, पैर पकड़ लेंगे, विद्यानंद मना कराया सबने, लेकिन हमने ठान लिया कि जाना तो है। तारीख बढ़ते बढ़ते 6 दिसंबर 1992 का दिन आ गया, वह दिन जो हर कोई जानता है, बाबरी विवाद ढांचे को गिराया गया और फिर अचानक पूरे अयोध्या में जैसे जलने लगी।
आचार्य विद्यानंद जी को मालूम चला तो उन्होंने माता जी साफ कह दिया कि माता जी आपको अब अयोध्या नहीं जाना है, अयोध्या जल रही है। पर मन में माता जी का तो कुछ और फितर उठा हुआ था, जिद और प्रगाढ़ होती जाती, मन में बार बार ये बात और घिर जाती, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मैं तो अहिंसा के दूत, प्रथम तीर्थंकर आचार्य भगवान ऋषभ देव जी की जन्म स्थली में उनके दर्शन करने जा रही हूँ, तो मेरा कौन बिगाड़ता है। पर इससे ज़रा दूसरी बात और उनके मन को कचोट रही थी, अरे यह अयोध्या आज विश्व के पटल पर, इसे हर कोई अयोध्या को राम जन्मभूमि के नाम से जानता है, बाबरी मस्जिद जानता है, और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती नाम भरत नाम पड़ा है, उनके नाम पर कोई नहीं जानता है, शाश्वत अनादि जैन भूमि है, इसको कोई नहीं जानता है, क्यों नहीं जानता है, मैं तो वहां जाऊंगी, मां मस्तक अभिषेक कर कर छोड़ूंगी। माता जी ने बताया, सबको संभालते संभालते मैंने ठान ली थी, और फिर वह दिन आया 11 फरवरी 1993। माता जी बताती है नवासी उम्र कि उस दिन फागुन कृष्ण की पंचमी थी, हसनापुर से मैं निकली थी, निकलते निकलते भी सब जो लोग थे समझा रहे थे, माताजी नहीं जाना नहीं जाना, स्वास्थ्य सही नहीं है, अयोध्या ठीक नहीं है, बहुत खराब बिगड़ जाओगी, बात मत जाओ। लेकिन मैंने तो मन में ठान लिया था, कदम बढ़ा दिया है, अब रुकना नहीं है। रास्ते में जहाँ जहाँ बढ़ती हर जगह के लोग आते और यही समझाते थे, पर मैं तो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देती थी, और इसी तरह करते करते 16 फरवरी 1993 को मैं अयोध्या पहुँच गई थी। अयोध्या पहुँच कर यहीं रायगंज बड़ी मूर्ति पहुँची थी, अभी पहले कदम रखना था, दरवाज़ा खोला खर्र करते बड़ी मुख से धक्का देके जैसे दरवाजे को खोला, चारों तरफ कब्जे हो गए थे, इधर उधर जैसे अब तो कुछ बचने को ही नहीं था, अंदर जंगली घास चार चार पाँच पाँच फुट की ऊंची थी, एक शाविका ने कदम रखा और खट बिच्छू ने काट खाया, समझ गए यहाँ पर कि यहाँ पर सांप बिच्छू चुनर बहुत आयत में है। डंडी से हटाते हटाते आगे बढ़े थे, साफ दिख रहे थे यहाँ पर सांप और बिच्छू रेंग रहे हैं। जैसे हम मंदिर में गए थे, कुछ शाविका शाविकों ने जैसे चप्पल उतार के बाहर आई तो देखा उनकी चप्पलों पर चुनर और बिच्छू लिपटे पड़े हैं। बिजली 7 साल से कटी हुई थी, पानी की एक बूंद नहीं थी, जर्जर कुछ कमरे हो रहे थे जो 100 साल पुराने जीर्ण शीर्ण हालत में थे, न लोटा था न मग्गा था, अरे अभिषेक की तो दूर की बात है, कोई जैन परिवार यहाँ तक ना था, ऐसी हालत बदतर हो रही थी। तब इस बारे में माता जी के बाद हमें स्वस्ति श्री चारू रविंद्र स्वामी जी ने क्या कहा, एक बार जरा उनके मुख से और सुनते। 1993 में जब पूजगणी ज्ञानमती माता जी का जम्बूजी भसनापुर से 7 तीर्थ अयोध्या के लिए मंगल विहार हुआ था, उस समय जब पूज माता जी यहाँ पर आई हैं तो स्थिति अयोध्या अपने जैन मंदिर परिसर की बहुत ही उपेक्षित हो गई थी। इतनी उपेक्षित थी कि यहाँ पर जब रात में हम लोग ठहरे हैं तो किसी एक महिला को एक बिच्छू ने काट लिया, जगह जगह चार चार पाँच पाँच फुट की घास खड़ी थी, लेटरिन बाथरूम जो जनरल बने हुए थे उनके ऊपर छत भी नहीं थी, पानी भी नहीं था, कोई साधन नहीं था कि कोई जा सके, सादे कमरे बाउंड्री वाल के साथ लगे हुए कम से कम 100 साल पुराने कमरे थे, और एक छोटा सा त्यागी भवन टाइप बना हुआ था उसमें पूज माता जी ठहरी। यहाँ सादे कमरों में चौका लगाया गया, यहाँ तक कि कोई साधन कोई बर्तन कुछ भी नहीं थे यहाँ पर, और जो यहाँ टंकी बनी हुई थी जिसे 1965 में जब प्रतिमा की स्थापना हुई बड़ी मूर्ति ऋषभ देव भगवान की आचार्य देवेश्वर महाराज के सानिध्य में, उसी समय ये टंकी भी बनाई गई थी ऊंची, उस टंकी का पानी भी कटा हुआ था, पता लगा क्यों, मोटर फूकी हुई है कई साल से तो नगर पालिका का पानी जो समय से आता है वही उपलब्ध हो पाता है, यात्रियों का आवागमन बहुत यहाँ पर नगण्य सा था, यहाँ तक कि 6-7 साल की बिजली का बिल भी बाकी था जो बिजली की बिल का पेमेंट नहीं हुआ था। फिर माता जी को चातुर्मास करना था उस समय टिकैत नगर, लेकिन माता जी ने जब ये स्थिति यहाँ की देखी तो माता जी ने कहा अब हम चातुर्मास नहीं करेंगे और अयोध्या का थोड़ा सा विकास करना है। त्यागी की पराकाष्ठा ध्यान की पता क्या होती है, माता जी ने उससे पहले रायगंज की बड़ी मूर्ति को देखा नहीं था कि मूर्ति कैसी है, और वो ध्यान के अंदर हसनापुर के अंदर उनकी छवि मन जाती है, और जब यहां देखती है तो बिल्कुल वही मनोहरी छवि होती है, जीवन में उससे पहले नहीं देखा पर उसको ध्यान के अंदर यहां से वहां सजीव देख लिया। यह होती है तप की पराकाष्ठा, ध्यान में अपने को वहां की चीज को अपने पास ले आना, यही तो गजब की आज पंचम काल में भी ध्यान में मुद्रा में देखा जाता है। और फिर माता जी पहुंच गई थी इसी तीर्थ पर जहां आप देख रहे हैं वर्तमान के ताजा चित्र, चैनल महालक्ष्मी एक्सक्लूसिव देख रहे हैं आप।
प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी की जन्मस्थली के समय, और यही वह क्षण थे जब कहती है माता जी मैं भावुकता में हृदय विहल हो उठा, अंदर से एक चित्कार हो उठी, आंखों से आंसू थड़ 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 जैसे बरसात हो रही हो ऐसे निकल पड़े, फुफकर बहुत तेज जैसे बच्चा रोता है ऐसी माता जी रोने लगी। चारों तरफ जो सैकड़ों लोग थे सब हैरान हो गए थे, अरे माता जी रो रही हैं, ऐसा क्या हो गया है, कोई पीड़ा हो गई या कुछ हो गया है, पर देख रहे थे वो आंखें सामने देखती जा रही हैं और फुफकर बहुत तेजी से रोती जा रही हैं। चंद्रामती माता जी, शुलक मोती सागर जी, स्वस्ति श्री रविंद्र स्वामी जी सब हैरान थे, माता जी को ढाणस बना रहे थे, पर जितने होते वो हाथ उठा के सामने कहती देखो ये चरण के अंदर महाप्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के चरण, टूटी हुई छतरी के ऊपर बंदर बैठे हैं और लगातार जैसे बूंदे गिरती हैं बारिश की ऐसे मल टपक रहा है उनके नीचे उस टोंक के ऊपर। उस दुर्दशा को देखकर आज भी माता जी सिहर जाती हैं, भावव्यर हो जाती हैं, कहती हृदय में वह दृश्य मेरे आज भी वही जीवंत है, उसको देखकर मैं आज भी रो पड़ती हूँ। एक बार सुनेंगे उनके मुख से, क्योंकि आपको हमारी बात पर शायद विश्वास नहीं होगा। तो वो जो जो है सब यहाँ गिराता उनके चरण थे, वो जो बहुत इस जगह बहुत थी लेकिन जो बहुत छोटी सी जगह थी और ऊपर में जो जहाँ पड़ा हुआ था बंदर बैठ कर गंदी करते रहते थे। तो उस चौक पर आकर के अब तिरानवे में जो मेरे अश्रु की धार बही एकदम रोना आया तो सब लोग घबरा गए, ये हमारे अमरचंद जी इनके पिताजी लेकर आए थे, ये सब लोग घबरा गए, हमारे माता जी रोक जो रही है हमें भी नहीं समझ में आ रहा था हम क्यों रो रहे हैं, अश्रु की धार नहीं बंद हो रही थी। चंद्रावती जी हमारे पटक पिठाजी मोती राय जी थे, रवि जी थे, सब थे, जब अश्रु की धार बंद हुई शांत हुए तो हमने कहा आप विश्वास नहीं करेंगे, चैनल महालक्ष्मी ने जब माता जी से चर्चा की आंखें भर आई थी सुनते सुनते, उन दृश्यों की कल्पना करते करते जो माता जी एक एक का चित्र व चित्रांकन करती जा रही थी, कहती हमारी पांचों जन्मभूमियाँ आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, सुमतिनाथ भगवान, अभिनंदन भगवान और साथ में अनंतनाथ भगवान की जन्मस्थली पर सब जगह कब्जे हो रहे थे, कई पंडे, कहीं कोई, कहीं सब कुछ, आज जैसे हमारा अधिकार हट रहा था। मैं देखकर हैरान हो रही थी अपने तीर्थ की दुर्दशा, जो मैं हसनापुर में सोच रही थी यहाँ तो उससे और बुरा था, और यहाँ पर एक तरफ यह हो रहा था, उधर उनकी जन्मस्थली टिकैत नगर के अंदर युवाओं ने धमकी दे दी थी हम अब आत्महत्या करेंगे, सोच सकते हैं क्यों करेंगे, माता जी उसको भी बड़ी दूर थी उसकी भी बात बताएंगे। यही नहीं, आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व, पूरा भारत यही तो समझता है कि राम जन्मभूमि के मंदिर के ऊपर विवादास्पद बाबरी बनाने के बाद ही वहाँ एक मस्जिद बनाई गई थी जिस विवाद ढांचे को हटाया गया था, लेकिन यह आज इतिहास को कोई नहीं जानता, इतिहास में जो लिखा हुआ है कि उससे पहले भी एक जन्मभूमि के ऊपर आज से हजार साल पहले एक मस्जिद बना दी गई थी। आज इतिहास इस पर मौन हो जाता है, हैरानगी होती है कि राम मंदिर जहां पर था पहले राम जन्मभूमि पर वहां बाबरी बनी थी, पर उससे भी सैकड़ों वर्ष पहले एक और की जन्मभूमि पर एक मस्जिद बनी थी, क्या हटी वो, क्या आत्महत्या से रोक पाए, उस मंदिर की जगह मस्जिद किसकी बनी थी, उस मस्जिद को हटाया गया या जन्मस्थली पर कब्जा हो गया था, इसके बारे में आपसे कल इसी समय 8 बजे आपसे करेंगे बात दूसरे भाग में। सादर जय जिनेंद्र।